हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्रेड यूनिवर्स आज हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है देखे? तो सबसे पहले मेरे सामने है अभी निफ़्टी फिफ्टी का चार्ट तो ये पर हम डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि निफ़्टी फिफ्टी पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन बना हुआ है तो अगर आप ध्यान से देखें तो निफ़्टी पर आज के दिन निफ्टी ने ट्वेंटी के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो जब भी आप ये हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है फॉर एग्जाम्पल फाइव हंड्रेड वाला लेवल या जीरो 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 वाला लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग कर देते हैं तो दूसरे लोग मार्केट के अंदर बाई करके लेके जाते हैं आज के दिन मार्केट ने ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर्टी के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो दूसरे लोग ने मे भी बाइक वगैरह किया होगा कॉल वगैरह बाई करके मार्केट के अंदर पोइस लेके गया होगा मंदे के लिए और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट मार्केट मंदे के दिन और पॉजिटिव रहेगा और मार्केट अप्रेंड में जा सकता है या मार्केट के अंदर गैप ओपनिंग हो सकते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ दूसरे लोगों ने मार्केट के अंदर बाय वगैरह किया होगा ठीक तो है तो बायस का स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल ज़रूर है ठीक है अभी मार्केट के अंदर क्या हो चुका है मार्केट के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड क्यों नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहे है. जो जोन का एरिया है लगभग लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी से लेकर के लगभग लगभग ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी का ये जो एरिया है इसी जोन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं तो जब तक इस जोन के अंदर मार्केट ट्रेड करते रहेगा हमें अच्छी मूव नहीं मिलेगा जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकल जाएगा यानी ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो मार्केट के अंदर फिर से एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा फिर से हमें एक अपसेट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ठीक है अब बात कर लेते हैं फाइव मिनट या फिफ्टीन मिनट के अंदर कि हमें इंटर पर किस प्रकार से ट्रेड करना है ठीक है तो मेरे सामने है अभी फिफ्टीन मिनट का टाइम फ्रेम तो फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं एक मार्क कर लेता हूँ ओके तो देखिए जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के लेवल को तब तक सेलर्स प्रॉब्लम में नहीं आएगा फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ आकर सेल किया होगा ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के ऊपर इस पॉइंट पे वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में है फिर से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया फिर से मार्केट निगेटिव हो गया फिर से मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के ऊपर लगभग लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के आसपास क्लोजिंग करते हैं तो मे बी आप यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है तो मार्केट के अंदर सेलर्स क्या करेगा मार्केट को फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा सो so, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर इस हाई को ब्रेकआउट करते है यानी ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी को ब्रेकआउट करते तो जिन लोगों ने भी यहाँ के सेलिंग किया था उनकी शॉर्ट कवर होगा और उनकी हंटिंग वगैरह होगा तो जैसे जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा दूसरे लोगों के अंदर दूसरे लोगों के जैसे जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा हमें एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा जिसे हम शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम कहते हैं ठीक है तो एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मोमेंट हम देखने को मिल सकते हैं जैसे जैसे मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के ऊपर ट्रेड करेगा ठीक तो है तो हमें किस प्रकार से ट्रेड कर रहे फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप ओपनिंग होता है ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के ऊपर आप बाई कर सकते हो ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 22, ठीक है, तो है अगर फ्लैट ओपनिंग होकर निचे चलने लगते हैं तो हम इमीडिएटली ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे के शायद मार्केट साइडियस हो सकते हैं अगर हिस्ट्री के लिए देखें तो यहाँ पर फाइव तारीख को सेवन तारीख को नाइन्थ को थर्टीन को भी मार्केट कम्प्लीट साइडवेज था इस जोन के अंदर तो मे भी मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे चलने लगता है तो साइडियस हो सकते हैं मार्केट तो यहाँ पर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर आज के कैंडल का लोअर पॉइंट यानी लगभग लगभग ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन थर्ड सेवेंटी के निशे आकर ट्रेड करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर के ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन सेवेंटी को ब्रेक डाउन करता है तब जाकर हमें एक नीचे के साइड सेलिंग देखने को मिल सकते हैं जो कि हमें लगभग लगभग ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड का टारगेट देखने को मिल सकता है ठीक है सो डाउन साइड हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन सेवेंटी को ब्रेकआउट करें तो नीचे के साइड ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड का टारगेट देखने को मिल सकता है अगर गैप ओपनिंग होता है तो हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है लेट से अगर मार्केट वन थर्टी के ऊपर ओपनिंग होता है ट्वेंटी वन थाउजेंड वन थर्टी ट्वेंटी वन थाउजेंड वन फिफ्टी पर ओपनिंग होते हैं, तो एक घंटा अगर ट्वेंटी वन एक घंटा अगर ट्वेंटी टू थाउजेंड वन फिफ्टी के ऊपर सस्टेन करते हैं इस लेवल के ऊपर ये जो पिछला हाई लगा के आया था मार्केट में इस हाई के ऊपर अगर मार्केट एक घंटा सस्टेन करते हैं तो हम बाइंग के लिए ही सोचेंगे ऊपर के साथ हमें ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड का टारगेट देखने को मिल सकता है ठीक है गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो गैप डाउन पर हमें डायरेक्ट अच्छा ट्रेट नहीं मिलेगा गैप डाउन पर आप क्या कर सकते हो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थाउजेंड के ऊपर जितना भी कॉल्स है इसको आप सेल कर सकते हो क्योंकि नीचे के साथ मार्केट साइडियस रह सकते हैं या थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है तो बेनिफिट क्या मिलेगा सेलिंग साइड पर मिलेगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर आप ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड यान टू हंड्रेड को उठा सकते हो uh, या पर आप ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड या ट्वेंटी टू थाउजेंड हंड्रेड के कॉल को सेल कर सकते हो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है ठीक है अब बात कर लेते हैं हमें बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार से ट्रेड करना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं दे टाइम फ्रेम पर बैंक नीति ने किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनाए तो दे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और इस रेंज का जो हायर पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ट्वे फोटी सिक्स थाउजेंड एट सेवेंटी के आसपास बन के आ रहे हैं तो जब तक बैंक नफ्टी इस हायर पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हमें अच्छी मूव देखने को नहीं मिलेगा केवल मार्केट साइडवेज से चलते रहेगा अच्छी मूव मिलेगा अच्छी ट्रेंड मार्केट रहना स्टार्ट कर देगा जैसे ही मार्केट फोर्टी सेवन थाउजेंड के ऊपर ब्रेकआउट करके मोमेंटम करने स्टार्ट कर देता है तो ठीक है तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है इंटर बेसिस पर तो हम इसके लिए देखेंगे फिफ्टीन मिनट्स का टाइम फ्रेम तो फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पर हमें समझ लेना है कि हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी का शर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने पर कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग होकर फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड को ब्रिज करता है ये जो रिसेंट हाई लगा के आया था मार्केट ने इस हाई को अगर निकलता है व्हाट इज़ द हाई ऑफ दिस कैंडल लगभग लगभग 850 का लेवल अगर बैंक निफ्टी फोर्टी सिक्स को ब्रेकआउट करते तो ऊपर के साथ हमें एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं जो कि हमें 47,200 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर उससे भी ऊपर यानी लगभग लगभग फोटी का भी टारगेट देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होता है और फोर्टी के ऊपर सस्तेन करते हैं तो भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि हमें लगभग लगभग का टारगेट तक लेके जाएगा ठीक है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने लगते हैं तो हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है इसे अवॉइड कर देना है ठीक है तो इस प्रकार से हमें बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है फ्लैट ओपनिंग होकर हाई को ब्रेक करते हैं फोर्टी सिक्स एट फिफ्टी को ब्रेक करते हैं हमें बाइक के बारे में है सोचना है अगर गैप ओपनिंग होने के बाद फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड के ऊपर सस्टेन कर दे तब भी हमें बाइंग के बारे में है सोचना है कॉल बाइंग के बारे में अगर मार्केट गैप दन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने लगते तो हम बैंक निफ्टी के अंदर एवॉइड करेंगे ठीक है और निफ्टी के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है कि निफ्टी के अंदर किस प्रकार से करना है ये जो लेवल है ट्वेंटी टू तो थाउजेंड वन थर्टी इस लेवल को आपको जरूर मार्क करके रखना है इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय वगैरह करेंगे और इसके ऊपर ही अगर ओपनिंग होकर होल करने लगते हैं तभी हम बाइक के बारे में सोचेंगे फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे चलते हैं और इस लोअर पॉइंट को ब्रेकआउट करते हैं तो हमें नीचे के साथ सेलिंग देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग